दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेज। तो चलिए आप लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइव आ जाएंगे जल्द से जल्द। क्या होगी ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम के कितनी परसेंट चांस है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। SBT का क्या है फैसला, उसने आज क्या फैसला लिया उसके बारे में, PIL का फैसला क्या होगी, एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन, सभी आ सकता है गुड न्यूज, आप लोग को बता दें गुड न्यूज भी आ सकता है, बच्चों के सारे डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बिहार सरकार ने जो नोटिस जारी किया उसकी तरफ ले चलते हैं। एक दो घंटे आप पहले देखेंगे ट्विटर पर नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया था, देखिए गृह विभाग द्वारा आ गया आदेश। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हम लोग को क्या है। आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय कोचिंग संस्थान 50% क्षमता के साथ तथा नवी एवं उत्तर कथाओं से संबंधित सभी विद्यालय महाविद्यालय जैसे अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज 100% शत प्रतिशत खुल सकेंगे। हॉस्टल भी खुल गया, छात्रावास भी, यानी लॉकडाउन एक समय से समझिए कि हट गया। इससे SBT से छात्रों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और लॉकडाउन बढ़ता तो ओपन बुक एग्जाम हो जाता, यानी ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है। बिहार सरकार ने लॉकडाउन हटा देते यानी SBT यहाँ से मजबूत हो गई, वो ऑफलाइन एग्जाम अब ले सकती है। चलिए अभी भी ऑनलाइन एग्जाम के है आशंका, तो चलिए ले चलते आप लोग को फिर से वहीं पे। बिहार सरकार ने जब नोटिस जारी किया तो यह देखिए SBT का क्या है फैसला, अब हम आपको वो बताने चलते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए बताते हैं SBT का क्या है फैसला, एग्जाम ऑनलाइन लेगी कि ऑफलाइन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SBT फुल प्रिपरेशन के साथ ऑफलाइन एग्जाम के लिए रेडी है, क्या ऑफलाइन एग्जाम के लिए रेडी है फुल प्रिपरेशन के साथ। उन लोगों ने एक महीना से करा, हम लोग एक महीना से ऑनलाइन एग्जाम की डिमांड कर रहे थे बट हुआ नहीं। 27 जनवरी से जो एग्ज़ाम था उसको एक्सटेंड करके 8 फरवरी कर दिया। अब 6 फरवरी को बिहार सरकार का नोटिस आ गया कि लॉकडाउन हट गया, स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं, ऐसे तो SBT मजबूत हो गई, ऑफलाइन अब एग्ज़ाम ले लेगी, क्या ऑफलाइन एग्ज़ाम अब ले लेगी। लेकिन अभी भी क्या PIL का फैसला भी बाकी जो कि कल होगा, कितना 7 फरवरी को पटना हाईकोर्ट अगर विद्यार्थियों के हित में फैसला दे देती है, और वो बिल्कुल विद्यार्थियों के हित में देगी फैसला, कैसे देगी। लेकिन SBT ने कहा था, SBT ने क्या कहा था 3 फरवरी को कि आप लोग प्रिंसिपल की सहमति अर्जी अगर हम लोग दे देते हैं लिखित कि ओपन बुक एग्ज़ाम हो तो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लेंगे। तो छात्र संघ मिलकर प्रिंसिपलों के कॉलेजों के स्टूडेंट ने मिलकर प्रिंसिपल से अर्जी ले ली, बहुत से कॉलेजों ने नहीं दिया, बहुत से कॉलेजों ने दे दी, लगभग 25 कॉलेज या 20 कॉलेज ने अर्जी दे दिया। इसे तो अभी कन्फर्म 18 कॉलेज हम जानते हैं कि अर्जी दे दी है प्रिंसिपल की। सबसे बड़ा सबूत यही है कल अगर कोर्ट में सुनवाई होती तो छात्र संघ के पास ये सबूत है स्टूडेंटों के पास कि SBT ने हमें यही से कहा था। अरे हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट ऑनलाइन या ओपन बुक एग्जाम की अर्जी दे देते तो हम लोग को तो 8 फरवरी से ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा। लेकिन आप लोग PIL के अब के चक्कर में नहीं रहे, अभी आप इस पर ध्यान दो, आप लोग सोचे कि 100% अब ऑफलाइन एग्जाम होगा, आप इसी का तैयारी करें, क्या ऑफलाइन एग्जाम होगा 100%, आप लोग इसी का सोच कर तैयारी करें। कल क्या फैसला आता है इसके कल हम वीडियो में आप लोग को बता देंगे। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम का पटना हाईकोर्ट ने दे दिया तो यह अब तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी आपके लिए, क्या बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी। अगर दे दिया तो समझिए आप 100% ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन, क्योंकि 6 फरवरी है
कल 7 है तो कल तो आएगी, मान लीजिए 1-2 बजे तक आ जाएगी रिपोर्ट पटना हाई कोर्ट की। अब 8 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम है, तो अब तो आपके पास 24 घंटा भी नहीं है। आज तो 6 तारीख समझिए ख़त्म ही हो गया, 7 बता आप लोग कल 7 पूरा समझिए ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे ना पूरा अच्छे से। जिन बच्चों को प्रिपरेशन नहीं हुआ जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के चक्कर में रह गए या वो घर पे किसी तरह से नेट की वजह से प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाए, तो कोई बात नहीं, 8 तारीख को आप लोग जाके एग्ज़ाम दीजिए। SBT का फैसला ये है, इम्पोर्टेंट सुनिए अब SBT ने क्या कहा है। SBT का इम्पोर्टेंट सुनना ये है कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से लिखेंगे और सबका एवरेज मार्किंग नहीं, जो टीचरों का आपका कॉपी चेक होगा वो एवरेज मार्किंग आप लोग अच्छे से लिखिएगा। क्या अच्छे से पूरा कॉपी लिखें, यानी कि क्वेश्चन ही ना लिखें, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन के एक पेज आधा पेज में आंसर दे दीजिएगा पूरा अच्छे से, ताकि वो कॉपी आपको जा सके। आप कुछ नहीं लिखे बताएं कि तो वो क्या देगा, कॉपी में आपको नंबर ही नहीं देगा। इसलिए अच्छे से आप लोग, यानी SBT का ये फैसला है कि सभी को इस बार पास कर दिया जाए, ऑफलाइन एग्ज़ाम में सभी को पास कर दिया जाए, यही एक गुड न्यूज है आप लोग के लिए। तो देखिए कल क्या फैसला आता है PIL का, आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कॉपी लिखिएगा वहाँ पे PIL का क्या होगा फैसला, वो तो कल हम लोग देख लेंगे। ऐसे तो अभी समझिए ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन, देखिए PIL पटना हाई कोर्ट क्या कहती है, पटना हाई कोर्ट क्या कहती है, ये देखिए एक क्वेश्चन आ क्या अब होगी ऑनलाइन एग्जाम, समझिए अब इसकी उम्मीद बहुत कम है, 0% भी चांस नहीं कि अब ऑनलाइन एग्जाम होगा। छात्र संघ ने भी अब लगता है ऑनलाइन एग्जाम अब बहुत कम ही आशा है कि अब ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। लेकिन अगर पटना हाई कोर्ट जो छात्र संघ के पास सहमति है प्रिंसिपल का वो दिखाती है, तो पटना हाई कोर्ट अगर स्टूडेंटों के पक्ष में अगर वो सुनवाई कर देती है, तो समझिए ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा। यह एक गुड न्यूज, बड़ी गुड न्यूज है। आप लोग अच्छे से बच्चों का जो कमेंट है आप लोग कमेंट करते रहें, जो सब डाउट आपके क्लियर हो जाएगा। और कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट कीजिए। एक बच्चा बोल रहा है मैं 1 महीना से नहीं पढ़ा, कैसे तैयारी करूँगा एग्ज़ाम का। तो देखिए आप लोग जो पढ़े हमारे चैनल पे ऑब्जेक्टिव का सलूशन कराया जा रहा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। सारा ऑब्जेक्टिव सेकंड सेम का करा दिया हूँ और कल भी मैराथन के साथ होगा, देखिए हमारी टीम पूरी लगी रहेगी। 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का भी क्वेश्चन डाला गया है, वो भी देख सकते हैं। देखिए आप लोग को हताश नहीं होना है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं ऑफलाइन ही एग्ज़ाम देंगे, डट के देंगे, ऑनलाइन से ज़्यादा नंबर लाएंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, एक दिन है आप लोग जो चीज़ का एग्ज़ाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो का एग्ज़ाम है आप लोग दीजिए अच्छे से, डरना नहीं है। देखिए कल कोर्ट का क्या नोटिस आता है, अगर अच्छा नोटिस आया तो ठीक है, SBT का फैसला क्या हो जाएगा ओपन बुक एग्ज़ाम का। अगर PIL में पटना हाई कोर्ट ने दे दी ओपन बुक एग्ज़ाम का, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप लोग कोशिश कीजिए, बार बार कीजिए, 1000 बार कीजिए और इतनी बार कीजिए कि सफलता तांडव मचा दें। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसका पूरा सवाल का जवाब दे दूंगा। तो और किसी का कुछ कमेंट है तो बोलिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, 6:30 बजे से लाइव आकर आप लोग की क्लास होगी, आप लोग अपना अपना क्लास देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि पटना हाई कोर्ट आप लोग के पक्ष में ही सुनवाई दे दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।